मेरी तरह से कसुकवि की आइडल। कजामा रुको, तुम अपना पेन भूल गए थे। तुम्हारा शुक्रिया। फिर मिलते हैं। सायरा रुको, क्या तुम जूस पीना चाहोगी? बोलो क्या कहती हो? क्या जूस? जरूर पीऊंगी। सुनो कजामा, तो बताओ तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहते हो? मैं तो एक आइडल बनना चाहती हूँ। क्या सच में? मैं चुप हो जाओ, अपने भविष्य के बारे में बात करके मुझे तो बहुत ही प्यास लग गई है। जरा मैं ये टेस्ट तो कर लूँ। ये तो मेरा दोस्त है। टेस्टी है, जानता हूँ। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? अरे ये तो बस मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है। मैं कजामा का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। मैं अपने बारे में तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। मेरा नाम है शिनचैन नोहरा। मुझे एक्शन कॉमिक पसंद है और साथ ही मुझे चॉकलेट चिप्स खाना भी बहुत पसंद है। बोचैन, तुम यहाँ पर कैसे? पता है ये दोनों मेरी क्लास में ही पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं इन्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ। सुनो, तुम्हारे सामने है एक आइडल जिसका नाम है सायरा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बढ़िया, सच में तुम्हारा शुक्रिया। वैसे तो ये इतना बढ़िया नहीं था, पर मैं बढ़िया करने की कोशिश करूंगी और आइडल बनकर पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगी। क्या पूरी दुनिया में? वाह, ये तो अच्छी बात है। और अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। क्या सच में? तुम कितने अच्छे हो कजामा। जूसर बनोगी? नहीं, प्रोड्यूसर। और जानते हो, सायरा जैसी अच्छी लड़की को मेरे जैसे समझदार प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ेगी। पर ये जूसर क्या होता है? वो प्रोड्यूसर होता है सायरा, एक ऐसे इंसान जो फलों और सब्जियों का जूस निकालता है। जूसर नहीं शिनचैन, मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर बनने के बाद मेरा काम होगा ये सोचना कि सायरा को कैसे मशहूर बनाया जाए। तो अब हमें क्या करना चाहिए कदमा? जल्दी बताओ ना, क्या करें? बोले ना। मुझे थोड़ा सोच दे तो दोस्त शिनचैन। तो मैं तुम्हें इस काम के लिए चुन लेती हूँ, ठीक है ना कजामा? हाँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मुझे लगता है इसके लिए तुम्हें एक अच्छे माहौल की जरूरत है। ऐसा क्या? मैं अच्छी माहौल भी रह गई। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर बताओ, अच्छे माहौल से मैं आइडल बन सकती हूँ? अरे सोच के देखो कितना मजा आएगा। अच्छे माहौल में हम खेल भी सकते हैं। जान। सुनो कजामा। हाँ कहो। हमें हारेजू को जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? क्योंकि कजामा, मैंने सुना है कि ज्यादातर आइडल्स हारेजू से ही चुने जाते हैं। सही कहा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। क्या पता मैं भी आइडल चुन ली जाऊँ। कजामा चले चले, तुम तो प्रोड्यूसर हो ना। लेकिन मैंने मॉम से नहीं पूछा, वैसे भी वो इतनी दूर मुझे जाने नहीं देंगी। मेरे ख्याल से हारेजू तो पास में है। अरे हारेजू फ्रूट चाट। अरे ये तो दुकान का नाम है और ये दुकान कासुकावे में ही है, समझे? मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे भी। मेरी बात सुनो सायरा, हम यहाँ फ्रूट चाट खाने नहीं आए हैं। और इसे खरीदेगा कौन? आप खरीदेंगे प्रोड्यूसर। ये लीजिए। आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। इन्होंने बेकार में ही मेरा खर्चा करवा दिया। कजामा, ये एक प्रोड्यूसर का फर्ज है, चलो उसे खाया जाए। पहले सायरा खाएगी। ठीक है, ये लो सायरा। तुम बहुत अच्छे हो कजामा। शुक्रिया सायरा। तो चलो खाते हैं। मजा आ गया। अरे क्या हुआ तुम सबको? कजामा सुनो, क्या हुआ? उस आदमी को देखो। वो हमारी ही तरफ देख रहा है। हाँ सही कहा, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। अरे उसने तो पैंट पहनी हुई है। उसने सिर्फ पैंट ही नहीं पहनी हुई, कोट भी पहना है। तुम भी ना? वो कुछ सोच रहे हैं। वो हमारे पास ही आ रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अब मैं उन्हें अपना गाना सुनाऊंगी। मैं हूँ सायरा, कसुकावे की आइडल। क्या मेरा गाना अच्छा?
मुझे नहीं था। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो बच्चों। जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सायरा और मेरी हॉबी है गाना गाना और मैं बड़ी हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे उम्र की लड़की को बर्थडे गिफ्ट में क्या लेना पसंद आएगा। आप मुझे मेरी बर्थडे पे एक्शन कामीन का नया सेट दे सकते हैं। वो तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। सुनिए मैं जानना चाहता हूँ क्या आप यहाँ सायरा से बात करने के लिए आए हैं। कहना क्या चाहते हो? आप मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि मैं सायरा का प्रोड्यूसर हूँ। दरअसल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं सोच रहा था कि उसे बर्थडे पर क्या दूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं उसकी उम्र की लड़की से ये सब जानना चाहता था। क्या हम आपसे माफी चाहते हैं? कोई बात नहीं। मुझे बर्थडे पे चॉक चिप्स का गिफ्ट भी चली गई। सायरा के पास आइडल बनने का टैलेंट तो है लेकिन उसका गाना। क्या मुझे अच्छा गाना नहीं आता? अरे नहीं। तो फिर सोचो और बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा मैंने सोच लिया है, हम सब गाने में तुम्हारा साथ देंगे। हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है तो चलो शुरू करें। ध्यान से सुनिए, ये सायरा की सुंदर दुनिया है। जिश्काँ, जिश्काँ, जिश्काँ। मैं एक बहुत प्यारी लड़की हूँ और सबको बहुत खुश रखती हूँ। Got a time for a coffee, and baby, if it's not too late, I'll wait in the lobby.